श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय जो हमें अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अवश्य करने चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती हैं, साथ ही बुरी शक्तियाँ हमारे घर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं और हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है। पैसे की आवक भी हमारे घर में आती रहती है, कहीं ना कहीं से पैसा आने के नए नए मार्ग खुलते रहते हैं। घर के मुख्य द्वार पर ये छोटे छोटे उपाय अवश्य करने चाहिए। आइए जानते हैं क्या है यह उपाय। उपाय जानने से पहले, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फैमिली फ्रेंडों के साथ में शेयर कर दें। घर के मुख्य द्वार पर शमी का पौधा, अशोक का पौधा, तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। ये बहुत ही सुख फल प्रदान करते हैं, साथ ही घर में सुख शांति का वातावरण भी बनाए रखते हैं। घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं उतारने चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। घर के द्वार के सम्मुख शीशा भी नहीं लगाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर सीढ़ियाँ विषम संख्या में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मुख्य द्वार पर कूड़ादाना बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, इससे भी माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। घर के मुख्य द्वार पर पंचमुखी हनुमान की फोटो अवश्य लगानी चाहिए, इससे बुरी शक्तियाँ हमारे घर में प्रवेश नहीं करती। हनुमान जी के मंदिर से आमंत्रित किया लाल धागा मुख्य द्वार पर जरूर बांधें। किसी काले कपड़े में 50 ग्राम फिटकरी बांध कर लटका दें, ये भी बुरी शक्तियों को आपके घर में नहीं आने देते हैं। आप अपनी मेहनत करते हुए ये उपाय जरूर करें, आपको अपार धन की प्राप्ति होगी। दर्शकों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।